हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। आज तो मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा। काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि ना कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया जाए, तो सोचा पिज़्ज़ा बना लेते। और घर में थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा ही बना लिया जाए। तो यहाँ मैं फटाफट से काट रही हूँ एक शिमला मिर्च और एक टमाटर और एक प्याज। प्याज तो मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया है, और टमाटर के जो बीच वाला होता है ना वो आप निकाल देना, ठीक है ना, क्योंकि उससे फिर पानी पानी सा हो जाता है। तो मैंने बीच वाला जो रस होता है वो बीज होते हैं वो निकाल के और अलग से मतलब टमाटर फटाफट से काट दिए थे। और ये जिस तरीके से आप काटना चाहो उस तरीके से काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या शेप होनी चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि घर में ही खाना है या किसी को टेंशन तो देनी नहीं है ना। तो इस वजह से नॉर्मल ही तरीके से काट लिया। फिर मैंने लगाया इस पर पिज़्ज़ा सॉस, तो इसके बिना तो पिज़्ज़ा हमारा अधूरा है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जितना था सारा निकाल कर लगा लिया, क्योंकि इतना ही बचा था, क्योंकि पिज़्ज़ा बना ही लेते हैं घर में अगर सामान पड़ा हुआ होता है। तो फिर मैं सोचा आपके साथ एक रेसिपी भी इसकी सिंपल सी शेयर कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने पिज़्ज़ा लगाया। अब एक बात ना, ये पिज़्ज़ा ना बनने के बाद बहुत गर्म हो जाता है, तो कटिंग होती नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो पिज़्ज़ा कटर तो है नहीं काटने के लिए, तो मैं चक्कू से काटूँ, तो इसलिए मैं पहले ही काट लूँगी। मुझे फिर बाद में ना वो सीधा बन के सीधा ही खाए ना तो मज़ा आता है, बाद में वो कटा कटा करें ना तो वो आधा नीचे गिर जाता है, आधा ऐसे मतलब हो जाता है। तो मैं इसको पहले ही काट लूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से सहूलियत हो, इजी लगे, तो उस हिसाब से वो कर लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ मैंने देखो इसको पिज़्ज़ा वो पहले ही काट ली है। अब इसके ऊपर से मैं टॉपिंग कर दूँगी। वैसे आपने कभी घर पर पिज़्ज़ा बनाया और कैसे बनाया मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आज ये मतलब दो तीन बार से तीसरी चौथी बार ही बना रही हूँ, पर अच्छा बना है। एक बार मैंने चूल्हे पर बनाया था, आज मैं नॉर्मल ओवन में इसको बेक करके बनाऊँगी। ये देखो मैंने इसको पूरे इसके चार हिस्से कर लिए, चार छोटे हिस्से क्या करेंगे, इतने से तो स्लाइस पक ली जाएगी और खा भी लेंगे फटाफट से। मैंने शिमला मिर्च टमाटर और ये जो था प्याज वगैरह फटाफट से मैंने काट के और इस पे डाल दिया, क्योंकि वेजिटेबल्स ना अपने मोल लेके आते हैं उसमें नहीं होता। अगर पिज़्ज़ा डोमिनोज का मंगाते ना तो इतने वेजिटेबल नहीं देते हैं, 99 के अंदर मतलब वेजिटेबल अगर घर पर बनाओ ना तो ज़्यादा बेस्ट है, और मतलब पेट भी अच्छे से भर जाता है और स्वाद भी अच्छे से आता है। और अपनी मर्जी से हिसाब से अपने जितने भी स्वीट कॉर्नस वगैरह या वेजिटेबल्स जो जो ऐड करने वो कर सकते हैं, नहीं तो 99 में जो पिज़्ज़ा आता है डोमिनोज का तो उसमें तो चीज़ भी नहीं होती और ना वेजिटेबल्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे रबड़ सा होता है और ना खाया जाता है वो, मुझे टेस्ट नहीं आता इतना ज़्यादा। फिर मैंने इस पे मायो डाल दी, अगर आपके पास हो तो डाल दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, पर मेरे पास थी तो मैंने डाल दी मायो भी थोड़ी सी। और उसके बाद चिली फ्लेक्स और गेनो पहले डाल दूँगी, ताकि बाद में वह सिर्फ गर्मा गर्म खाऊं, है ना, बाद में कोई झंझट ना हो, बाद में कटिंग करो ऊपर से डालो तो ऐसा कुछ ना हो। फिर मैंने डाली है ये मदर डेयरी की जो चीज़ थी वो डाल दी फटाफट से क्रश करके। और आपने अगर पिज़्ज़ा बनाया हो तो बताना किस तरीके से बनाया, क्योंकि मैंने तो इसी तरीके से बनाया घर पे, क्योंकि इस तरीके से खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है, बिल्कुल सा देसी सा स्टाइल है, सिंपल सा स्टाइल है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये पिज़्ज़ा ना मेरा बस 20 मिनट में तैयार हो गया था, तो फटाफट से बनाया था। ये बेक करने के लिए मैंने इसमें ओवन में रख दिया है, यहाँ सॉफ्टी भी वेट कर रही है कि पिज़्ज़ा जल्दी से बाहर आए और मैं खाऊं। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा कुछ ऐसा बना है, देखो अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी टेस्टी है, बस इसको थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हुई थी, पर वो चलता है कोई बात नहीं। पर मैंने पूरा पिज़्ज़ा अपना दिखा दिया आपको कैसा बना था और कैसा है, और इसको मैं फटाफट से खाऊंगी। खाने के बाद जो इसका टेस्ट आया ना, माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं सोच नहीं सकती मैं इतना अच्छा पिज़्ज़ा भी बना सकती हूँ। अगर बेस घर पे बनाती तो और ज़्यादा अच्छा बनता, पर बेस था तो फिर मैंने सोचा इसी से बना देते हैं ना। आपने बनाया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना पिज़्ज़ा, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।